हिंद। हाय दोस्तों, मैं आपका कमल। मेरी फिटनेस रन चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक है कि रनिंग क्या है, रनिंग कैसे करें, सही तरीके से कैसे करें, कैसे इंप्रूव करें रनिंग को, आज इसके बारे में टॉपिक है। अगर आप मेरी चैनल पर नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए आगे ऐसे वीडियो देखने के लिए। चलिए शुरू करते हैं, लेट्स गो। हम पहले समझते हैं कि रनिंग क्या है, हम क्यों करना चाहते हैं, ये पहले हमको जानना ज़रूरी है। मान लो कि मुझे एथलेटिक में दौड़ना है तो मैं एथलेटिक जैसा प्रिपेयर करूँगा। अगर मुझे आर्मी में जाना है 16 मीटर पे प्रिपेयर करना है, अगर मुझे माराथन में दौड़ना है, अगर मुझे ऐसे ही मतलब वेट लॉस के लिए दौड़ना है, अगर मुझे फिट रहने के लिए दौड़ना है, अगर मुझे कैलोरी बर्न के लिए दौड़ना है, बहुत सारा तरीका है। ये पहले हमको समझना चाहिए कि रनिंग क्यों करना है, उसके बाद धीरे धीरे स्टेप बढ़ाना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बता देता हूँ कि रनिंग का तरीका बहुत अलग होता है, कहने से नहीं होता है। अगर मैं आपको कह दूँ कि मैं अभी 100 किलोमीटर रनिंग कर दूँ, मैं कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे को प्रैक्टिस करता हूँ मैं, मेरे को ये क्या बोलते हैं, रूटीन है मेरा, आदत मतलब पहले से ही स्टार्टिंग से मतलब स्टैमिना है। रनिंग करने के लिए चार चीज़ का बहुत ज़रूरत होता है। चार चीज़ क्या क्या है, एक स्टैमिना, स्पीड, एंड्योरेंस और फ्लेक्सिबिलिटी। अगर ये आपके पास है तो आप रनिंग में जरूर सक्सेसफुल जरूर बन सकते हैं। रनिंग करने का मतलब ये नहीं है कि जूता पहनो और बस भागने चले जाओ, ये नहीं है। रनिंग का मतलब होता है बहुत अच्छी तरीके से दिमाग से बैठा हो कि रनिंग क्यों करना है, मुझे किसके लिए करना है, फौजी के लिए करना है या अपनी प्रैक्टिस के लिए करना है या फिट रहने के लिए करना है, वेट लॉस के लिए करना है, ये पहले आप अपने दिमाग में डाल दो, उसके बाद प्रिपेयर करो। पहले हम समझते हैं कि रनिंग, आजकल का ज़माना हो गया, स्टार्टिंग से ही जूता पहन लिया, दौड़ने शुरू कर दिया, ना वार्म अप किया, ना स्ट्रेचिंग किया, ना कुछ किया, दौड़ना शुरू कर दिया। कुछ टाइम के बाद पैर दुखना शुरू हो जाता है और सांस फूलने लगता है, दिमाग टेंशन हो जाता है, सर दुखता है, कोई कोई गिर जाता है। क्यों होता है ऐसे, क्योंकि हम फॉलो नहीं करते हैं ना ऐसा, कैसे करना है, किसी तरीके से करना है। अगर हम हर तरीक़ों को, जैसे हर चीज़ को हम फॉलो करेंगे, जैसे आपको प्यास लगता है पानी पीते, खाना खाते भूख लगता है, तो रनिंग भी ऐसा ही है ना। अगर अच्छी तरीके से हम करेंगे तो कैसे इम्प्रूव नहीं होगा बताओ मुझे, 100% इम्प्रूव होगा। आज मैं बताऊंगा पूरा हर तरीके से, वीडियो लास्ट तक देखिए। पहला जब हम फ्रेश होते हैं सुबह, तो हमको क्या करना है, पहले फ्रेश होने के बाद पूरा बढ़िया से पेट साफ़ करना है वाशरूम जाके। उसके बाद अगर आपके पास केला है सुबह खाने के लिए तो केला खाइए, कोई दिक्कत नहीं, एक केला चलता है, और ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, और ज़्यादा पेट भर के नहीं खाना चाहिए। अगर ज़्यादा खा लिया तो दौड़ने का टाइम पेट दुखेगा तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता है, उल्टी भी हो सकता है, ये नहीं करना है। एक केला है, होता है तो खाओ, नहीं है तो मत खाओ, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद आ जाओ ग्राउंड में या कोई किधर आप रनिंग करते हो, उधर आने के बाद अब स्ट्रेचिंग करना है, नहीं तो वार्म अप करना है बॉडी को पूरा ऊपर से नीचे तक, जितना एक्सरसाइज मालूम है। अभी आगे आगे मेरे चैनल में आने लगेगा कि रनिंग के पहले कौन सा एक्सरसाइज करना है, रनिंग के बाद कौन सा एक्सरसाइज करना है, ये सब आएगा धीरे धीरे। लेकिन मैं आपको मतलब बताता हूँ कैसे करना है। पहले उसके बाद स्ट्रेचिंग करना है, स्ट्रेचिंग नहीं तो वार्म अप करना है, बॉडी को पूरा रिलैक्सेशन करना है, पसीना निकालना है स्टार्टिंग से, ज़्यादा नहीं, ऐसे करो कि जैसे लगेगा हाँ फिट हो गया, बॉडी का जो नशा है ना वो फ्री होना चाहिए। उसके बाद धीरे धीरे आपको पूरा स्ट्रेचिंग धीरे करना है, और उसके बाद रनिंग स्टार्टिंग करना है। और रनिंग ऐसे स्टार्टिंग करना है कि जैसे चल के जा रहे हो, जैसे धीरे धीरे आराम से दौड़ना है। ऐसा नहीं है कि पहले से स्टार्टिंग मार दिया, 100-200 मीटर में पैर दुखने लगा और सांस फूल गया, ऐसा नहीं होता है। हम यही गलती करते हैं, हम क्या करते हैं, जो बंदा पहले से प्रैक्टिस किया हुआ है उसके साथ में दौड़ने लगते हैं। अगर उसके साथ दौड़ेंगे तो ज़्यादा लंबा स्टेप दौड़ेगा ना, तो उसके साथ दौड़ेंगे तो हम भी ऐसे दौड़ेंगे, उसके बाद सांस फूलने लगेगा तो हम उसके साथ मतलब कंपटीशन नहीं कर पाएंगे और दौड़ भी नहीं पाएंगे, बीच में रुक जाएंगे। आप सबसे बढ़िया है किसी के साथ, अगर आपके साथ कोई पहली बार दौड़ रहा है, आप पहली बार दौड़ रहे हो मतलब नया शुरू कर रहे हो, तो स्टार्टिंग से पहले यही चीज़ ध्यान लो, स्टार्टिंग से आपको स्लो दौड़ना है, स्लो। हाँ, याद रखना कि अच्छा शूज होना चाहिए, पूरा हल्का शूज मार्केट में मिल जाएगा, सेगा करके शूज है, आपको बहुत सारा शूज मिल जाएगा, जो शूज आपको ऐसे पूरा ऐसे मुड़ना चाहिए, पूरा हल्का,
फ्लेक्सिबिलिटी रहना चाहिए कि हाँ लगना चाहिए कुछ भी, पूरा हल्का रहना चाहिए, तभी उसको पहन के दौड़ो स्टार्टिंग में। उसके बाद रनिंग मतलब धीरे 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 करो आपको उसके बाद आपको एम बनाना चाहिए कितना किलोमीटर तक दौड़ना है, और एक किलोमीटर दौड़ना है या दो किलोमीटर दौड़ना है, पहले आप एम बेस करो उसके बाद रनिंग स्टार्टिंग करो, धीरे धीरे करो। उसके बाद अगर पसीना आता है कुछ आता है कोई दिक्कत नहीं, स्टार्टिंग में थोड़ा प्रॉब्लम होता है कि ज़्यादा पसीना आएगा तो मन करेगा रुक जाओ ये करो वो करो, नहीं ऐसा नहीं करना है। सेकेंड पार्ट आता है जो सांस क्यों फूलता है, सांस कैसे ले। सांस फूलने का कारण होता है कि हम कोई बोलता है कि मुँह से सांस लो, कोई बोलता है कि नाक से सांस लो, ये सबसे गलत तरीका है। मैं बताऊँ आपको, ये किसी का बात मत सुनो। आपको जिसी में अच्छा लगता है क्यों मालूम है आपको, हमारा ऑक्सीजन जो हो जाता है ना अंदर, अगर वो सही तरीके से नहीं जाएगा तो आप कैसे दौड़ोगे। सही तरीके से ऑक्सीजन जाना चाहिए अंदर, तो आपको मुंह में सांस लेने का मतलब अच्छा लगता है, मतलब मुंह में सांस लेने से आप दौड़ सकते हो, आपको अच्छा मतलब हो रहा है आपका रनिंग अच्छा, तो मुंह में सांस लो। अगर नाक में सांस लेने से होता है नाक में लो, कोई दिक्कत नहीं, आप दोनों में ले सकते हो, ले हो, ऐसा कुछ नहीं कि मुंह में लेना है नाक में लेना है, ऐसा कुछ नहीं, आप मुंह में ले सकते हो मुंह में लो, कोई दिक्कत नहीं। धीरे धीरे देखो, जब भी हमारा सांस फूलता है तभी हमको क्या करना है, जोर से सांस लेना है पूरा ऐसे ही, मतलब पूरा रनिंग जितना दो किलोमीटर रनिंग करोगे पूरा नहीं करना है, बीच बीच में 100-200 मीटर कर लिया कि हाफ किलोमीटर कर लिया कि 400 मीटर कर लिया रनिंग, और जोर से सांस फूल रहा है कि ये हो रहा है, ऐसे करके जोर से छोड़ो। क्या होता है ना, जो गंदा चीज़ होता है वो निकल जाता है, और नाक से जो पानी पानी निकलता है वो आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा। सांस फूलने का कारण क्या है मालूम है आपको, सांस फूलने का कारण यही है कि हम सही तरीके से एक्सरसाइज, पहले जो वार्म अप करना है, स्ट्रेचिंग करना है, और सही तरीके से खाना नहीं खाते, डाइट नहीं लेते, तो सांस इसलिए फूलता है, और सांस फूलने का कारण यही है। अगर हम सही ढंग से सांस ले रनिंग ख़त्म होने के बाद, जोर से सांस लेना है, इसको 10-15 बार करना है, मतलब 15 बार करना है, तभी आपको कुछ लगेगा हाँ मैं कुछ कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि रनिंग ख़त्म हो गया चलो घर पे, बहुत सारे लड़के क्या करते हैं, रनिंग ख़त्म हो जाता है तो घर पे निकल जाते हैं, कुछ एक्सरसाइज नहीं कुछ नहीं, तो क्या होगा, सांस फूलेगा, पैर दुखेगा, सिन पेन होगा, हर चीज़ प्रॉब्लम हो जाएगा। ये चीज़ हम कोई क्यों नहीं समझते यार, रनिंग को एक बेस बनाओ ना लाइफ में, हर रोज़ कुछ ना कुछ नया एक्सरसाइज करने की कोशिश करो नया। हम उसके बाद समझते हैं कि रनिंग में हैंड स्विंग कैसे करें, ये जो हैंड स्विंग ये मेन पॉइंट होता है। अगर आपने कैसे दौड़ते हैं, बहुत सारे लड़के करते ऐसे, मतलब ऐसे नहीं दौड़ना है, ऐसे दौड़ने से आप कभी नहीं कर पाओगे, बहुत सारे लड़के पूरा ज़्यादा झुक जाते ऐसे, ऐसे नहीं झुकना है, 90 डिग्री पूरा बड़ी पूरा पोस्चर ऐसे होना चाहिए, हाथ ज़्यादा पीछे नहीं जाना चाहिए, पूरा इतना ही देख पा रहे आप, इतना करने से क्या होता है आपको अच्छा लगेगा। देखो ये चीज़ क्या है ना, आपको अंदर से मोटिवेट होना है कि मैं रनिंग कर सकता हूँ, किसी का ज़रूरत नहीं। बहुत सारे लड़के एकेडमी जाते हैं, मैं मानता हूँ जाओ कोई दिक्कत नहीं, अगर आप खुद प्रिपेयर नहीं हो तो एकेडमी जाने के बाद आप कैसे करोगे। लेकिन मेरे पास जितना नॉलेज है ना आपको इतना शेयर करूँगा, आप ये अपने अप्लाई करोगे तो शायद आपको ज़्यादा इम्प्रूव मिलेगा, यही कहना चाहता हूँ। आप ध्यान रखो जब भी रनिंग करते हो हाथ खोल के करना है, ज़्यादा ऐसे कर नहीं करना है, ऐसे ऐसे नहीं करना है, हाथ ऐसे खोलोगे, ज़्यादा पीछे भी नहीं उठाना है, और ज़्यादा पीछे उठाओगे तो जितना हैंड स्विंग करते हो उतना थक जाओगे। हैंड स्विंग करने का मतलब होता है हम ज़्यादा थक जाते हैं, ज़्यादा नहीं करना है। जब भी लास्ट मोमेंट होता है, ये कहना ज़रूरी है कि जब भी लास्ट मोमेंट होता है हमारा 100 मीटर है या 50 मीटर हो, स्टार्टिंग में ज़्यादा फिनिशिंग नहीं मारने का, 50 मीटर तक मारो, ज़्यादा नहीं मारो 50 मीटर। 50 मीटर में क्या करना है, फिनिशिंग मारना है, फिनिश पूरा ताकत लगा देने का। अगर आप 2 किलोमीटर रनिंग करते हो तो आप 2 किलोमीटर में आपको दिख रहा है 50 किलोमीटर बाकी, 50 मीटर बाकी है या 100 मीटर बाकी है, तो आपको पूरा फिनिशिंग मारना है, पूरा ताकत लगा देना है, पूरा जितना भी दम है आपका अंदर पूरा खींच देने का। तो अभी क्या करना है, पूरा हैंड स्विंग को पूरा पीछे जितना आ रहा है पूरा पीछे जितना खींचोगे ना इसको उतना पूरा फास्ट होगा रनिंग,
और बहुत सारे लड़के क्या करते हैं, और ये चीज़ ध्यान रखने का काम हमेशा, बहुत सारे लड़के पूरा ऐसे ऐसे नहीं करना है, ऐसे करने से दिमाग पे असर पड़ता है, आप नहीं दौड़ पाओगे कभी, ऐसा चीज़ नहीं करने का, ऐसे दांत को खींच के टाइट करके नहीं दौड़ने का, पूरा रिलैक्स माइंड में पूरा खुशी से दौड़ने का माहौल से, खुशी से दौड़ने से क्या होता है आपका रनिंग में ना इम्प्रूवमेंट मिलेगा, अच्छा लगेगा। देखो एक चीज़ क्या है ना, हमको जो चीज़ अच्छा लगता है हमको करने में मज़ा आता है, अगर गुस्से में करोगे पूरा मार के दौड़ोगे तो क्या मज़ा नहीं आएगा ना, आपको रोज़ करना है, एक दिन का काम नहीं है। अगर आपको रनिंग में सक्सेसफुल बनना है तो आपने रनिंग में पा लिया, अगर आपने आर्मी में ज्वाइनिंग कर लिया, फौजी में किधर भर्ती हो गए या पुलिस में हो गए, तो आपको क्या रनिंग भी नहीं करना है क्या, उसमें भी करना है हमेशा के लिए, तो रनिंग करना ही है। इसीलिए आपको खुशी माइंड से दिमाग फ्रेश से आपको लगना चाहिए कि मैं, मेरा एक हॉबी है बस मैं कर रहा हूँ। अब कंपटीशन के लिए कर रहे हैं तो आगे आगे नेक्स्ट नेक्स्ट अच्छा अच्छा वीडियो आने वाला है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए क्योंकि बहुत मस्त वीडियो बनाने वाला हूँ कि आगे आपको बहुत अच्छा लगेगा। और ऐसे ऐसे चीज़ फॉलो करना है, डाइट, उसके बाद डाइट क्या लेना है, सबसे पहले यही चीज़ बता देता हूँ कि हम लोगों ना बहुत सारे लड़के क्या करते हैं, रनिंग ख़त्म हो जाता है, डाइट सही से नहीं है, तो डाइट नहीं होगा तो कैसे होगा फिर इम्प्रूव, हर चीज़ का मेन पॉइंट होता है डाइट, अगर ये चीज़ नहीं होगा तो कुछ भी इम्प्रूव नहीं होगा हमारे अंदर, ना हम सही से दौड़ पाएंगे, ना सही से हम सांस ले पाएंगे, सब पेन होने लगेगा हमारा, सीन पेन से लेकर हर चीज़। तो इसको इम्प्रूव मेन पॉइंट है डाइट लेना है, इसके लिए एक पर्सनल वीडियो बनेगा आगे, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल आपको डाइट में क्या लेना है, अगर रनिंग ख़त्म हो गया तो उसके बाद आपको चना, जो चना मिलता है ना कच्चा, उसको पानी में भिगाना है, भिगाने के बाद सुबह उठ के रनिंग ख़त्म हो जाता है, ख़त्म होने के बाद आके खाओ कोई दिक्कत नहीं, केला भी खा सकते हो, अंडा भी खा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ये बहुत अच्छी चीज़ है कि आपको लगेगा कि नहीं एफर्ट नहीं कर पाऊँ तो चना कर सकते हो ना, मूंग भी खा सकते हो, ये मतलब जो हमको आगे बढ़ाएगा। देखो चना घोड़ा खाता है, इसको खाने से हमारा फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ता है अंदर, और जो ये फाइबर है उसमें ज़्यादा चने में, तो हमको एनर्जी मिलेगा और सांस नहीं फूलेगा, जैसे घोड़ा खाता है मारता है इतना फास्ट, आप तो कर पाओगे, आप तो इंसान हो यार, सब कुछ कर पाओगे लाइफ में, ऐसा क्या चीज़ कमी है आपके अंदर। बहुत लड़के सारे कमज़ोर बोलते हैं, अरे यार दूसरों को देखने से कमज़ोर हो जाते हैं, ऐसा क्यों होता है क्यों पता नहीं, भगवान को मालूम है, आपका अंदर ही सब कुछ है, खुद तैयार करो अंदर को, ऐसा दुनिया में ऐसा कोई चीज़ नहीं है आप नहीं पा सकते, जो हमारा अंदर है ना किसी का अंदर वो चीज़ नहीं है, भगवान ने सबको अलग बनाया दुनिया में, इसलिए खुद प्रिपेयर करो, खुद ट्राई करो, मेहनत करो उसके लिए, रोज़ कुछ टाइम निकालो और रोज़ कुछ अच्छा सुनो और अच्छा पढ़ो, अच्छा लिखो, एक डायरी बनाओ क्या रूटीन करते हो उसमें, धीरे धीरे लिखो उसमें, अच्छी तरीके से लिखो, तो आपको समझ में आ जाएगा कि मेरा लाइफ का रूटीन कैसा चल रहा है, क्या डाइट ले रहा हूँ, तो अच्छा लगेगा आपको। बस यही वीडियो बनाने का यही मकसद था कि आपका रनिंग कैसे करना चाहिए, पहले आपको शूज अच्छा होना चाहिए, नहीं पहले स्टार्टिंग में आपका फ्रेश होना चाहिए अच्छी तरीके से, उसके बाद वार्म अप करना चाहिए, उसके बाद शूज अच्छा होना चाहिए, उसके अंदर सॉक्स भी होना चाहिए, और उसके बाद रनिंग का बेस कितना किलोमीटर दौड़ना है ये फाइनल होना चाहिए, और रनिंग स्टार्टिंग में स्लो दौड़ना चाहिए और धीरे धीरे दौड़ना चाहिए, सांस मुंह से या नाक से लो ये कोई फ़र्क नहीं, आपका जो मर्जी है इसमें लो, लेकिन सही तरीके से दौड़ो, ऐसे टेढ़ा मेढ़ा ऐसे नहीं दौड़ना है, पूरा अच्छी तरीके से धीरे धीरे आपको जैसे लग रहा है ऐसे दौड़ो। उसके बाद रनिंग ख़त्म होने के बाद एक्सरसाइज करना है, उसके बाद वार्म अप करना है, कूल डाउन एक्सरसाइज करना है, स्ट्रेचिंग करना है, उसके बाद रनिंग ख़त्म होता है, उसके बाद डाइट घर पे जाके या अब लेके आते हो कोई दिक्कत नहीं, जब तक बॉडी गर्म है तब तक पानी नहीं पीने का, ये मैं पहले बोल देता हूँ आपको, पानी पीने से हमारा बॉडी डिहाइड्रेशन हो जाएगा, जो गर्म है अंदर हम ठंडा डाल देंगे उसको तो क्या हो जाएगा, बॉडी डिहाइड्रेशन हो जाएगा फटाक से, इसलिए कुछ नहीं डालना है आप करते रहने का, जब बॉडी पूरा कूल हो जाएगा पसीना निकल जाएगा तब भी पानी पियो, और तभी जाके आप ब्रेकफास्ट करो या चना फना जो भी आपको ब्रेकफास्ट में है वो खाओ जाके। बस लास्ट में यही कहूँगा कि आप अपना आप खुद को पहचानो पहले, मैं कैसे कर रहा हूँ, दूसरों को देखो थोड़ा, जो बड़े बड़े एथलेटिक है उनको फॉलो करो, जैसे उसेन बोल्ट हो गया, हर कोई बंदा है, उसेन बोल्ट का बात नहीं कर रहा हूँ, हर कोई देखो, किसी से कुछ सीखने की कोशिश करो, अगर हम किसी से कुछ सीखने की कोशिश करेंगे ना तो शायद हम कभी भी हार नहीं मानेंगे, इसीलिए देखो
किसी को ज़्यादा ज्ञान देने का ज़रूरत नहीं यार, मैं ऐसे दौड़ता हूँ, मैं ऐसे इतना किलोमीटर दौड़ता हूँ। बहुत सारे लड़के ऐसे बोलने लगते हैं कि मैं ऐसे दौड़ता हूँ, मेरा इतना कम आता है। जब टाइम आता है रनिंग का, जब इंटरव्यू का टाइम आता है, तभी हार जाते हैं, अरे मेरा पैर दुखने लगा, ये हो गया, वो हो गया। क्यों होता है? क्योंकि हम ज़्यादा बोलने लगते हैं, काम कम करते हैं। इसीलिए ज़्यादा बोलो मत, काम करो, स्मार्ट वर्क करने की कोशिश करो दुनिया में। स्मार्ट वर्क, हार्ड वर्क नहीं, हार्ड वर्क करना है लेकिन स्मार्ट तरीके से आगे जाना है, समझे? बस लास्ट में कमल यही कहेगा, वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए। ये इसी चैनल पे हर रोज़ हर दिन एक अच्छा अच्छा वीडियो आएगा आप लोगों के लिए। मैं सोचूंगा कि थोड़ा शॉर्ट बनाऊँ, ज़्यादा लंबा हो जाता है। चलो इतना ही है, उम्मीद करूँगा कि अच्छा लगेगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करके बताइए जरूर कैसा लगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।